हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम है भीमराणा माँ मोगल के जन्मभूमि स्थल पे। तो यहाँ पे हमने रूम लिया था जो कि एक रूम का नॉन एसी का 700 रुपये और एसी वाला चाहिए तो उसका 1000 रुपये है। तो ये सभी यहाँ के रूम्स। वहां से हम आए थे गेट से, ये माता मोगल का जन्म स्थल। तो ये है मोगल माता का मेन मंदिर जहाँ पर हम मोगल माँ विराजमान है। मोगल के पिता, ये यहाँ का पूरा पटांगण और ये यहाँ की ध्वजा। यह है यहाँ का हवन कुंड। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन काम चालू है, वहाँ पर भोजनालय बन रहा है। आने वाले कुछ सालों में यह पूरा बन के रेडी हो जाएगा। ये हिंगलाज माता का मंदिर। तो माँ मोगल के अच्छे से दर्शन तो कर लिए, अभी निकलते हैं गोपी तरफ की ओर जो कि यहाँ से 17 किलोमीटर दूर। तो चलो निकलते यहाँ से।
जा रहे हैं हम गोपी तरफ। बाइक भी पूरी रेडी है। अभी अभी कॉल स्टार्ट किया। वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो नागेश्वर महादेव का मंदिर है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अभी हम आ चुके हैं गोपी तालाब, जो कि द्वारका से 20 किलोमीटर दूर है। और माना जाता है कि जब यहाँ पर श्री कृष्ण नहीं लौटे तो हजारों गोपियों ने जल समाधि ली थी और अपने प्राण त्यागे थे। तो एक कैसा तालाब है आपको भी दिखाते और हम भी देखते हैं, चलिए। तो ये यहाँ का मेन गेट, इधर से चलते हैं और देखते हैं तालाब तालाब। तो यहाँ पर है रुक्मिणी देवी का मंदिर। ये यहाँ की लोकल शॉप्स जहाँ से आप खरीद भी कर सकते हो। प्रवेश द्वार है, यहाँ से मुख्य मंदिर इधर है। यहाँ पर है मेन मंदिर श्री गोपीनाथ जी का, तो चलिए दर्शन करते हैं। यह मूर्ति श्री गोपीनाथ जी की है जो 5000 साल से भी अधिक पुरानी है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और गोपियाँ स्नान किया करते थे। तो ये वही तालाब है जिन्हें आज हम गोपी तालाब के नाम से जानते हैं।
रुक्मण जी मंदिर, राम नाम का तैरता पत्थर भी अंदर है। गोपीनाथ जी का दर्शन और गोपीनाथ तालाब का दर्शन तो हो गए, लेकिन अब निकलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि भटकेश्वर महादेव। यहाँ से तकरीबन 23 किलोमीटर दूर है, निकलते हैं अपनी बाइक लेके।